बॉयज, वेलकम टू रिम्स अकेडमी। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस कॉमन रूट्स। ठीक है, सो व्हाट इज कॉमन रूट्स? कॉमन रूट्स का मतलब है यहाँ पर सपोज करिए कंसीडरिंग वी हैव टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ए वन एक्स स्क्वायर प्लस बी वन एक्स प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो एंड ए टू एक्स स्क्वायर प्लस बी टू एक्स प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो सपोज वी हैव टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सो इसका एक रूट्स है अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कॉमन रूट्स के लिए दो कंडीशंस बनेगी, यदि दोनों रूट्स इसके कॉमन हो या फिर एक रूट कॉमन हो। ठीक है, तो एक रूट कॉमन हो तो इसका क्या हो जाएगा? गामा। ठीक है, इसका भी रूट क्या होगा? बीटा। एक ये कौन सी कंडीशन है? जब एन वन रूट इज कॉमन। ठीक है, तो वन रूट कॉमन हो। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट कंडीशन लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन है व्हेन बोथ रूट्स आर कॉमन। ठीक है, तो हमारी कंडीशन है व्हेन रूट्स बोथ रूट्स आर कॉमन। ठीक है, देन ए बी सी आर प्रोपोर्शंस, राइट? सो यहां से क्या आ जाएगा? ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। ठीक है, तो ये आ जाएगी हमारी कंडीशन फॉर बोथ रूट्स आर कॉमन। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे व्हेन वन रूट इज कॉमन। ठीक है, सो हमारी सेकेंड कंडीशन है व्हेन वन रूट इज कॉमन। ठीक है, तो वन रूट इज कॉमन मतलब ए वन एल्फा स्क्वायर प्लस बी वन एल्फा प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो एंड सेकेंड क्वाड्रेटिक होगी हमारी ए टू एल्फा स्क्वायर प्लस बी टू एल्फा प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसको हम लोग सपोज कर लेंगे इक्वेशन ए एंड इसको सपोज कर लेंगे इक्वेशन बी। ठीक है, तो इसको कैसे, अगर हमारे दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट कॉमन है तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ठीक है, बाई क्रॉस, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ठीक है, तो बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में क्या होता है? जो अल्फा स्क्वायर है तो अल्फा स्क्वायर अपॉन, ठीक है, समझ लीजिए कि मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर, अब ये वाली रो हम लोगों ने ये वाला कॉलम हम लोगों ने ले लिया तो इस वाले कॉलम को हाइड कर लेंगे, तो ये वाली रो, ठीक है, इस वाले, अब दो रो को कैसे सॉल्व करते हैं? बी वन इंटू सी टू, यानी बी वन इंटू सी टू माइनस बी टू इंटू सी वन इज इक्वल टू माइनस अल्फा। ठीक है, सेकेंड वाला क्या होता है? माइनस अल्फा अपॉन, अब ये वाला कॉलम हाइड कर लेंगे, इसका 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 कोफिशिएंट यानी ए वन सी टू, यानी ए वन सी टू माइनस ए टू सी वन इज इक्वल टू। ठीक है, अब इसका, इसमें तो अल्फा क्या है? अल्फा है ही नहीं, यानी वन अपॉन, अब ये वाला कॉलम हाइड करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। ठीक है, यहाँ से ये आ गया। अब या तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अल्फा अल्फा कैंसिल, ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगी? अल्फा एंड अल्फा अल्फा एंड, या तो फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? अल्फा। ठीक है, अब इन दोनों अल्फा को हम लोग क्या करेंगे? मैच करेंगे फॉर कंडीशन के लिए। ठीक है, इन दोनों अल्फा को क्या क्या करेंगे? मैच करेंगे। ठीक है, यानी मैच बोथ अल्फा फॉर कंडीशन। ठीक है, कंडीशन के लिए क्या करेंगे? बोथ अल्फा को मैच करेंगे। तो अब हम लोग इसको बाय एग्जांपल समझेंगे। ठीक है, तो हमारा एग्जांपल है
क्वेश्चन है, इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, वेयर बी डज नॉट इक्वल सी हैज अ कॉमन रूट। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या हैज अ कॉमन रूट, यानी एक रूट क्या है कॉमन है। ठीक है, फाइंड इक्वेशन ऑफ दियर अनकॉमन रूट। ठीक है, हमें उन अनकॉमन रूट्स की इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, जो अनकॉमन रूट्स होंगे, यानी हमको क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो एंड सेकेंड क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इन दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, यानी माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या आ गया, बी माइनस सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी माइनस सी। ठीक है, यहाँ से ये आ जाएगा, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू वन। ठीक है, एक्स की वैल्यू लोगों ने क्या फाइंड कर ली, वन, यानी वन इसका क्या हो गया, एक रूट हो गया। ठीक है, अब उन्होंने कहा एक कॉमन रूट। ठीक है, यानी अगर इसका वन एक रूट हो गया तो मान लेते हैं हम लोग वन जो रूट हमारा वो कॉमन रूट है। ठीक है, यानी जो हमारी इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इस इन दोनों का एक रूट कॉमन है वन। ठीक है, तो इसका एक रूट अनकॉमन रूट मान लेते हैं अल्फा एंड इसका अनकॉमन रूट मान लेते हैं हम लोग बीटा। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? ठीक है, ये हमारे कैसे हैं दोनों रूट्स, अनकॉमन रूट्स, अनकॉमन रूट। ठीक है, तो फॉर इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, तो इस ये जो इक्वेशन फर्स्ट है इसका हम लोग पी ओ आर निकालते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा फर्स्ट रूट इंटू सेकेंड रूट, यानी फर्स्ट रूट इसका क्या है, वन इंटू अल्फा, तो वन इंटू अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी अपॉन ए। इसका सी कितना है, सी है हमारा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू सी। ठीक है, एंड इसमें निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सेकेंड वाली इक्वेशन में, इसमें तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, इसका वन इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, बीटा इज इक्वल टू बी। ये हमारे क्या आ गए, रूट्स आ गए। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करेंगे, जो हमारा एक्स बराबर वन आया था इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड में क्या करेंगे, पुट कर देंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट है सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से करते हैं पुट एक्स इज इक्वल टू वन इन फर्स्ट, इसको हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, इसको सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, अगर ये इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो कंडीशन यहाँ से क्या आ जाएगी, कंडीशन फाइंड कर लेंगे, कंडीशन क्या आ जाएगी, वन प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसमें रखा वन प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई, कंडीशन आ गई। यहाँ पे और होगा, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, फर्स्ट में रखेंगे या फिर सेकंड में, किसी में भी रख दीजिए। ठीक है, तो एक कंडीशन आ जाएगी, इस कंडीशन की सहायता से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो हमने कंडीशन क्या निकाल ली थी, वन प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ अनकॉमन रूट्स क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, इक्वल टू जीरो, ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स क्या आया था, सम ऑफ रूट्स तो फाइंड ही नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं सम ऑफ रूट्स, यहाँ से क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा इनके लिए अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, सी प्लस बी। ठीक है, यानी बी प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा बी प्लस सी एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, बी सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बी प्लस सी, यानी बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से देयर इम्प्लाइज बी प्लस सी इज इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, माइनस वन यहाँ पुट कर देंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी सी इज इक्वल टू जीरो।
ये क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ये क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x + 5 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 हैज अ कॉमन रूट, ठीक है, एक रूट क्या है कॉमन है, फाइंड ए एंड बी एंड ए डी एंड ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग फाइंड करेंगे डी, डी इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस इक्वेशन के तो रूट्स हमको दिए गए ना, क्योंकि ये इक्वेशन तो हमको कम्प्लीटली गिवेन है, ठीक है, ये इक्वेशन हमको कम्प्लीटली गिवेन है, ठीक है, इसमें सब कुछ दिया गया हमको। तो यहाँ से डी डी इज इक्वल टू निकालेंगे बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर यानी 16 - 4ac, ठीक है, -20, यहाँ से क्या आ जाएगा -4, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा, बोथ हैज 2 रूट्स कॉमन, ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, दोनों रूट कॉमन आ जाएंगे, ये जो कंडीशन आ गई, ठीक है, ठीक है। तो कंडीशन क्या कह रही है, डी लेस देन -4, ठीक है, डी लेस देन 0, यानी ये कैसा होगा, नेगेटिव, एंड नेगेटिव के लिए क्या था, इमेजिनरी रूट्स। तो इमेजिनरी रूट्स कैसे निकलते हैं, पेयर में, यानी अगर एक रूट इसका कॉमन है तो दूसरा स्वतः ही क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, यानी इसके दोनों रूट कैसे होंगे, कॉमन होंगे, ठीक है। तो यहाँ से और कॉमन रूट की कंडीशन क्या थी हमारी, 1/1 इज इक्वल टू -4/a इज इक्वल टू 5/b, ठीक है, और इन दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। हाँ, पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा a इज इक्वल टू -4, ठीक है, एंड b इज इक्वल टू आ जाएगा इनको, और इनको सॉल्व करेंगे तो b इज इक्वल टू आ जाएगा 5, ठीक है। तो हमको a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो कि हमने फाइंड कर ली, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन है, इफ़ इक्वेशन 4x² sin² θ - 4 sin x + 1 इज इक्वल टू 0 एंड a² b² - c² x² + b² c² - a² x + c² of a² - b² इक्वल टू 0 हैज़ अ कॉमन रूट्स एंड सेकेंड इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट, फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है हमारी सेकेंड वाली, ये कुछ जानी पहचानी सी लग रही ना, ये क्या है, साइक्लिक फॉर्म बना रही है ना, यानी सेकेंड क्वेश्चन वाली क्या बना रही है, सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन साइक्लिक फॉर्म। एंड तो यहाँ पर लिख लेते हैं, इक्वेशन सेकेंड हैज़ 1√(x = 1) से साइक्लिक के लिए क्या होता है, एक रूट हमें पता होता है पहले से x = 1, ठीक है, बट यहाँ क्या कह रहा है, सेकेंड इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, ठीक है, यानी बोथ रूट कैसे हो जाएंगे, बोथ रूट क्या हो जाएंगे, इक्वल, यानी बोथ रूट्स आर x = 1, यानी दोनों रूट क्या होंगे, 1, 1, ठीक है। सो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हैज कॉमन रूट्स, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हैज अ कॉमन रूट्स, ठीक है, एक कॉमन रूट्स है, यानी सो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड हैज कॉमन रूट्स, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x = 1, ठीक है, एक रूट क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा दोनों में, ठीक है। तुम्हारी ये फर्स्ट इक्वेशन क्या दी है, 4x² sin² θ, ठीक है, तो x = 1 पुट कर दें तो इसको सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। तो x = 1 पुट करते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 sin² θ - 4 sin θ + 1 = 0, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ पर लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा, ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है a² इसको +1² - तो ये क्या बन रहा है, ये a इसको b मान लीजिए एंड ये 2ab लिखा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, 2 sin θ - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है, किसी का स्क्वायर 0 है यानी कि उसके अंदर की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, यानी
टू साइन थीटा माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। हमारा क्या आ गया, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो साइन में 1/2 वैल्यू किसकी होती है, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा जो हमारा है, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, थीटा है वो हमारा 0 से पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो 0 से पाई में जो थीटा है कहाँ पे, साइन थीटा कहाँ पे 1/2 होता है, एक तो होता है 5/6, ठीक है, एंड साइन 5π/6 पे, ठीक है, 120 एंड 30 पे, ठीक है। यहाँ से थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5/6 एंड 5π/6, ये क्या आ गई थीटा की वैल्यू। तो ये क्या हो गया, आंसर हो गया हमारा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सो हमारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है लेट fx इज इक्वल टू 3y(x-2) प्लस 4/x-3 प्लस 5/x-4 देन fx इज इक्वल टू 0 हैज, ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है एग्जैक्टली वन रियल रूट इन 2,3, एग्जैक्टली वन रियल रूट इन 3,4, एग्जैक्ट एटलीस्ट वन रियल रूट इन 2,3 एंड नन ऑफ दीज, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमारा fx इज इक्वल टू क्या दिया गया है, तो fx इज इक्वल टू क्या दिया गया है, fx इक्वल टू दिया गया है, ये जो है इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3x-3 x-4 प्लस 4x-2 x-4 प्लस 5 x-2 x-3 अपॉन होल अपॉन, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, x-2 x-3 x-4, ठीक है। तो हम लोग सपोज करते हैं ये ऊपर वाली जो इक्वेशन है, ठीक है, तो ऊपर वाली इक्वेशन को डिनोमिनेटर में, तो इसको जी मान लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको जी मानेंगे, तो नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं, ठीक है। तो लेट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या था, 3x-3 x-4 प्लस 4x-2 x-4 प्लस 5x-2 x-3, ठीक है। इसको हम लोगों ने जी मान लिया, ठीक है। तो हम लोगों ने जो ये इक्वेशन है इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, ये कि जो इसकी रूट्स निकलेंगे वो 2, 3 या 4 निकलेंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसा हम लोग कुछ आइडिया ले पा रहे हैं ना, ठीक है। तो मान लीजिए लेट जी ऑफ 2, ठीक है, एक्स इक्वल टू 2 हम लोग रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है, 3, यहाँ क्या आ जाएगा, 2-3, यानी कैसा आएगा, निगेटिव निगेटिव, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा, 2-4, यानी क्या आएगा, ये भी निगेटिव, ठीक है, प्लस 4, ठीक है, प्लस इसमें 2 रखेंगे 0 हो जाएगा, इसमें भी 0 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 0 प्लस 0, ठीक है। तो जी ऑफ 2 यहाँ से क्या आ जाएगा, निगेटिव इंटू निगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है। तो यानी जी ऑफ 2 हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब हम लोग जी ऑफ 3 फाइंड करते हैं, तो जी ऑफ 3, तो यहाँ पर 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा पूरा, यहाँ पर रखेंगे तो आ जाएगा क्या, 3-2 यानी पॉजिटिव, एंड 3-4 निगेटिव, यानी पॉजिटिव इंटू निगेटिव, तो आ जाएगा 4 × पॉजिटिव × नेगेटिव, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। एंड अब जी ऑफ क्या है, 4, तो 4 रखेंगे तो इसमें 4 0 हो जाएगा, इसमें 4 0 हो जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 4-2 यानी पॉजिटिव, एंड 4-3 यानी पॉजिटिव, ठीक है। तो यानी पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है, ये आ गया ना। तो हम लोग एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है। तो
दिस इज अ लाइन, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कहीं पर, यहाँ पर टू होगा, यहाँ पर कहीं पर थ्री होगा, एंड यहाँ पर फोर होगा, ठीक है। ये हमारी क्या है, एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ठीक है। तो क्या कह रहा है, एक्स बराबर टू पर वैल्यू क्या आई है, पॉजिटिव, यानी यहाँ कहीं वैल्यू होगी, हम लोग सपोज करते हैं, ठीक है, यहाँ पर कहीं पर वैल्यू होगी। एंड एक्स बराबर थ्री पर क्या आई है, निगेटिव, यानी यहाँ पर कहीं होगी, राइट। थ्री के सामने कहीं पर निगेटिव, एक्स एक्सिस के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव, एक्स एक्सिस के नीचे क्या होता है, निगेटिव, यानी निगेटिव, यानी एक्स एक्सिस नीचे होगी कहीं वैल्यू, ठीक है। कहाँ पर होगी मुझे कोई आइडिया नहीं, ठीक है। एंड एक्स इक्वल टू फोर पे, फोर पे जो हमारी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, पॉजिटिव आ रही, ठीक है। तो पॉजिटिव यहाँ पर आएगी, ठीक है। अब इसको हम लोग ज्वाइंट करते हैं, ठीक है, ये फोर के सामने एंड ये टू के सामने, ठीक है। यानी एक्स एक्सिस कहाँ पे कट किया, यहाँ पर और यहाँ पर, यानी रूट्स कैसे आ गए, रियल, ठीक है। एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है, कट कर रहा है, ठीक है। रूट्स क्या हो गए, रियल हो गए। एंड एक्स एक्सिस को दो जगह कट किया है, यानी एक रूट कहाँ पर आएगा, एक रूट आया दो और टू एंड थ्री के बीच में, एंड सेकेंड रूट कहाँ आ रहा है, थ्री एंड फोर के बीच में, ठीक है। कहाँ आएगा, नो आइडिया। तो हमारा ऑप्शन क्या था, एग्जैक्टली वन रूट इन टू कामा थ्री, ठीक है। तो ये तो हमारा सही है, एक रूट हमारा आ रहा है टू कामा थ्री पर और एक रूट आ रहा है थ्री कामा फोर पर, ठीक है। यानी ऑप्शन हमारा ए क्या है, सही है। एंड सेकेंड क्या कह रहा है, एग्जैक्टली वन रियल रूट इन थ्री कामा फोर, ठीक है, यानी ऑप्शन बी भी सही है। एंड एट लीस्ट वन रियल रूट, ठीक है, कम से कम एक रूट आएगा दो टू कामा थ्री के बीच में, ये तो गलत है, ठीक है। एंड नन ऑफ बी, तो हमारे कौन से ऑप्शन सही हो गए, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी ट्रू हो गए, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल आइकन प्रेस करिएगा। थैंक यू।